देखिए अभी जो जुर्माना बढ़ने के कारण लोगों में जो जागरूकता आई है, हम लोग चाहते हैं कि जागरूकता को और बेहतर किया जाए और इसके लिए जो भी अभियान होगा जागरूकता वो भी प्रशासन साथ साथ चलाएगा। मोतिहारी में अभी कुछ थाना प्रभारी के द्वारा हेलमेट के लिए व्यवस्था की गई है और प्रदूषण जाँच केंद्र की व्यवस्था की गई है, वो काफ़ी सराहनीय है। हम लोग अन्य स्थानों पर भी जागरूकता फैलाने के लिए कई प्रकार के कार्य करेंगे और आने वाले समय में उसका इफेक्ट भी दिखाई देगा। मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पटना के बाहर मात्र 35% लोग हेलमेट लगाते हैं, वो प्रतिशत अब बढ़ करके लगभग 70% हो गया है। तो इसके कारण दुर्घटनाओं में भी काफ़ी कमी आई है। जो पहले दुर्घटनाएं प्रतिदिन 20 व्यक्तियों की मौत होती थी, वो पिछले 15 दिनों में घट करके 10 से भी कम हो। अच्छा सर, एक सवाल और है, सरकारी गाड़ियों में प्रदूषण और जो इंश्योरेंस है, ये क्या होता है कि नहीं होता? देखिए, सरकारी गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस सरकार, इसीलिए उनको अलग से इंश्योरेंस नहीं लेना होता है। जो ये मोटर वाहन कानून जो बहुत पुराना है, इसमें कई वर्षों से ये प्रावधान है कि इंश्योरेंस इसका नहीं होता है, क्योंकि जो कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो राज्य सरकार इसमें कंपनसेशन देती है और केंद्र सरकार। अच्छा, प्रदूषण सवाल सर, प्रदूषण इसके लिए उतना ही आवश्यक है जितना किसी अन्य गाड़ी के लिए प्रदूषण। लेकिन प्रदूषण किसी गाड़ी में है नहीं, सरकारी गाड़ी में ये होगा और अगर नहीं होगा तो उस पर भी वही फाइन होगा जो किसी अन्य गाड़ी। 1990 से गाड़ियां चला रहे हैं, जो चालक हैं वो कह रहे हैं कि आज तक मेरी कभी एक बार भी गाड़ी चेक नहीं हुई। नहीं देखिए, अभी पिछले दिनों काफ़ी गाड़ियां चेक हुई और काफ़ी गाड़ियों का फाइन भी होने वाला। अभी नगर निगम की कुछ गाड़ियों की शिकायत हुई है कि उनमें कुछ बिना नंबर के चल रही, ये भी बात हम लोग के संज्ञान में आई। कोई सरकारी गाड़ी यानी इससे एग्जेम्प्टेड है ऐसा नहीं, इंश्योरेंस के लिए कानून में प्रावधान है इसलिए। सर, दूसरे राज्य के जिसमें जिस तरह से कम किया गया है, उस तरह से बिहार में भी क्या कम किया जाएगा? देखिए, अभी हम लोग इसका कानून का अध्ययन करें, क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया कानून है और इसमें राज्यों के पावर सीमित अधिकार होते हैं। मोटर वाहन अधिनियम भारत सरकार के द्वारा अभी संसद के द्वारा पारित है, इसमें हम लोग अन्य राज्य द्वारा जो कदम उठाए गए, जैसे अन्य राज्यों की बात आई थी, लेकिन अभी कहीं भी इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं और इसमें लीगल राय भी ले रहे हैं, उसके बाद ही कोने लग दिया। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।